किसानों के लिए एक बड़ी बुरी खबर आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का इलाज नहीं। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार कई सरकारों की ओर से किसानों की कर्ज माफी की गई है, लेकिन मैं मानता हूं कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का हल नहीं। सब्सिडी गिनाते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, अभी तक हम ब्याज पर जो सब्सिडी देते हैं, अगर 31 मार्च तक किसान पैसा चुका देता है तो उसे 4% पैसा मिल जाता है। लॉकडाउन की वजह से हम 31 मार्च को पैसा नहीं दे सकते थे, इसलिए इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया। आगे क्या मदद की जा सकती है उस पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फलों के किसानों के लिए MIS स्कीम जारी की गई है। कर्ज माफी किसी समस्या का हल नहीं है। सरकार की चिंता है कि किसान अच्छी अवस्था में खड़ा हो सके और उसकी फसल अभी और आने वाले समय में ठीक तरह से हो और हम उसे ठीक दाम में फसल लें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।